इस डेरी स्कूल की क्लासेज में इसमें मैं प्रोलेप्स के बारे में बताऊंगा देखिए ये प्रोलेप्स है ये प्रोलेप्स हो रहा है गाय भैंसों में ज़्यादा होता है गाय में भी होता है और इसमें ज़्यादातर पशु मर जाते हैं तो इसी का मैं बता रहा हूँ कि आप इससे कैसे बचेंगे आ, पहले तो आप ये समझिए कि जो जो वो होता है इसका ब्ल्टा होता है इसका प्रसंटा जो होता है जो बच्चा जो होता है इसका जुड़ा रहता है वो इसका बच्चा जो है लाइफ का, वो कई जगह जुड़ा रहता है वो एक जगह नहीं जुड़ा रहता वो कई जगह जुड़ा रहता है तो आ, कम से कम वो बासठ जगह जुड़ा रहता है देखिए देखिए इसका जो थैली होती है इसमें ये बासठ साठ बासठ जगह जुड़ा रहता है तो ये जब ये बाहर निकलता है इसका यूट्रस uh, तो इसमें यूट्रस में ये ऐसी गांठें गांठें सी दिखाई देती है आदमी में ये होता है कि वो एक ही जगह जुड़ा रहता है जानवर में इसमें ये जगह 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 जोड़ा रहता है तो इसको मतलब खींच के नहीं निकालना चाहिए और उससे खून खच्चर हो जाता है और इसमें ये है कि जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है मतलब जब कैल्शियम कम हो गया तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए देखिए ये मैं तो ये यूज़ करता हूँ वी एम है तो इसमें पी इसको आप जो है वैसे साधारणता ऐसे सौ ग्राम दस किलो में डालते हैं मतलब सौ ग्राम दस किलो में एक 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 किलो राशन में मतलब दस ग्राम पर इसकी मात्रा को दोगुना कर दीजिए आप इसकी मात्रा को दोगुना कर दीजिए ठीक है इसकी मात्रा को 200 ग्राम डालिए आप जब जैसे ही गाय ब्या, ब्या चुकी है उसके ब्याने से पहले ही चार पाँच दिन पहले इसको जो है आप 200 ग्राम के करीब इसमें डालिए तो अगर आप इसमें 200 ग्राम में डालेंगे तो आपको कैल्शियम पूरी मात्रा में पड़ जाएगा दूसरी बात यह है कि जो पशु में सडनली कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और उस अवस्था में ये होता है कि उसकी हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है कहते हैं पुठे तोड़ रही है साफ पुठे तोड़ रही है वो पी टी एच एक हारमोन होता है तो अगर आप उसे नौसादर और वो देते रहेंगे नौसादर और मैक्सेल पचास पचास ग्राम डेली तो उसकी हड्डियों में से निकल जाएगा दूसरी बात यह है कि अगर उसका जिगर ख़राब है जिगर के कीड़े हैं तो वाइटामिन डी नहीं बनेगा वाइटामिन डी नहीं मिलेगा तो फिर वो जो है न, कैल्शियम में एब्जॉर्ब नहीं हुआ हाथों से तो तीन तरह से कैल्शियम हो गया एक तो आप बाहर से पिलाएंगे दूसरी बात यह है कि हड्डी से निकलेगा तीसरी बात यह है कि इंटस्टाइन उसको सोखेगी तो जो इंटस्टाइन सोखती है वो जब ही सोखती है जबकि वाइटामिन डी है उसमें और लिवर काम कर रहा है तो आप ये देख लीजिए कि आप अपने पशु को ऑक्सीक्लोराइट आता है ऑक्सीक्लोरानाइट से आप उसे डिवर्म करें और प्रेजेंट एनिमल में कर सकते हैं तो पाँच महीने पे डिवर्म कर दीजिए और उसको सात महीने पे डिवर्म कर दिए क्योंकि जब तक आप डिवर्म नहीं करें लीवर काम नहीं करेगा तो वो फिर जो है आंख से जाएगा नहीं तो मैंने ये आपको बताया कि ये के कैल्शियम का इसमें विशेष भूमिका है अगर कैल्शियम कम होगा तो उसके तो फूल निकलेगा और फूल निकल आया तो आप रस्सी बांधें पेटी बांधें ये वो करें उससे किसी रुकेगा नहीं वो जब तक आप कैल्शियम नहीं देंगे और अगर इन सब बात के बाद भी वो निकलता है तो आप उसे इंटरावेना मा, ना फैक्स चढ़ाइए और माईफैक्स चढ़ाते वक़्त चढ़ाने के चढ़ाते वक्त कोई उसको जेल वगैरह मत दीजिए वो अलग से दीजिए क्योंकि वो डबल डोज हो जाएगी और उसमें एनिमल मर सकता है और थोड़ा सा हम फैक्ट बचा लिए 200 सौ एम वो उसको सब कट लगा दिए और इस बारे में वो इस बारे में होम्योपैथी की एक दवाई है वो काफ़ी प्रचलित हो रही है वो आप यूज़ कर सकते हैं देखिए ये ये है प्रोलेप्स गो ये गोयल फार्मासी है ये प्रोलेप्स गो इसको मतलब छिड़कते हैं इसमें स्प्रे है तो आप इसको छिड़क दीजिए तो, तो इसके रिजल्ट काफ़ी सकारात्मक है और जो है इससे आप जो है इससे प्रोलैप्स से बच सकते हैं ये मतलब जब प्रोलैप्स दो तरह से होता है एक तो ये होता है कि वो गाय गई तो पूरा यूट्रस का ही प्रोलैप्स हो जाता है दूसरा वेजैनल प्रोलैप्स भी होता है वेजनल प्रोसेस में मतलब उसको फूल निकलना कहते हैं इसको बेल निकलना कहते हैं इसको बेल निकलना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो इसमें जो है बेल निकलना इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जगह 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 गांठें जो हैं मैंने जैसे आपको दिखाया कि ये करीब बासठ हाँ ये जो है बासठ जगह जुड़ा रहता है तो ये आदमी में एक ही जगह जुड़ा रहता है तो ये बासठ जगह जुड़ा रहता है तो इसकी बेल सी आपको दिखाई दे इसके खेचातानी नहीं करनी चाहिए समझे ना और अगर आपको दूसरे का शक है तो आप एम्सिन कोसिन का इंजेक्शन इसमें लगाइए वैसे आजकल ये इंजेक्शन जो है सल्फाडॉक्सिन ट्राइमिथोप्राइम इंजेक्शन है देखिए इसमें दिखा रहा हूँ मैं सल्फाडॉक्सिन ट्राइमेथोप्राइम ये वन शॉट ही लगाना लॉन्ग एक्टिंग है अपने वेटनेरियन से पूछ के आप इसको लगा दें तो इससे भी यूट्रोजनाइटर uh, अगर उसके पेशाब में कोई दिक्कत है या कहीं है तो वो जो है वो ठीक हो जाएगा तो मैंने आपको सारांश इसमें यही बताया कि इसमें सबसे कारगर तो ये है कि आप कैल्शियम की डोज बढ़ाएं दुगनी करें और ब्याते वक्त उसे जल दें अगर फिर भी काबू में नहीं आता तो आई भी चढ़ाएं पर आई भी और जल एक साथ न दें दूसरी बात यह है कि पशु को ब्याने से पहले और ब्याने के बाद भी नौसादर और 50 ग्राम नौसादा और 50 ग्राम मैक मैकसेल्प जो है वो खिलाते रहे उससे बोनसा निकलेगा इसी जो बहुत अहमियत की बात है वो ये है कि इंटस्टाइन में से एब्जॉर्ब हो तो उसके लिए आप जो है मतलब उसको डिवर्म करिए पाँच महीने पे और सात महीने पे ऑक्सीक्लोरइट होता है लीवर वर्म और उसमें लिवर मिसाल में मिलता है उससे डिवर्म कर देंगे तो अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो ये आप उसको सल्फर रख दे सकते हैं आ, सर्फ डॉक्स डॉक्सिन इसमें और ट्राई में में ये वन शॉट है आप अपने वेटनेरियन से पूछ के इसकी डोज दे सकते हैं और ये सात दिन तक दूध में आता है तो इससे सावधानी रखिए ये नई ड्रग है और मैं ऐसे आप नहीं उस पर एनिमल पर यूज़ करता हूँ ये डायरिया में भी बहुत अच्छा काम करती है प्रोडस में भी करती है यूट्रोजेनाइटल और ये मतलब बैक्टीरियो स्टेट की तरह भी है तो बैक्टीरिया के मल्टीप्लीसन को रोकती है धन्यवाद आपने सुना इसमें अहम की अहम बात यही है कि सबसे इलाज कि आप जो है मैक्सर को नौसादर सदर खिलाइए और कैल्शियम की डोज को दोगुना कर दिए दस किलो राशन में दो सौ ग्राम मिला दिए तो आप इससे बचे रहेंगे धन्यवाद आपने सुना